हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने लॉकेट फेसबुक अकाउंट को कैसे अनलॉक करें। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, देन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दें। दोस्तों ऑल पे क्लिक करने से क्या होगा, आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलेगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ओके सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कोई सा एक ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने उसका जो लिंक का यूज़र था देन यहाँ पे पासवर्ड डाल रखा है। सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ओके तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। ये तो आप सभी जानते हो कि लॉक किस तरीके से हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस अकाउंट में कुछ इस तरीके से लॉक हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या शो हो रहा है। तो दोस्तों अब इस अकाउंट को कैसे ओपन करोगे वो मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके तो सिंपली सबसे पहले दोस्तों को करना क्या है वो ध्यान से देखना है। जो नीचे की तरफ ये थ्री लाइन है यहाँ पे देख सकते हो, उस पर क्लिक करके सिंपली आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइड कर लेना है। तो जैसे डेस्कटॉप साइड करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जहाँ पे फेसबुक लिखा है यहाँ पे क्लिक करके जो उसका URL है यहाँ पे जो M है M को आपको हटा के वेब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद ये जो M है M को हम हटा देते हैं। देखो दोस्तों M को हटाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे वेब लिखना है, ध्यान से देखना वेब लिखना है। आप यहाँ पे WW भी कर सकते हो या वेब भी लिख सकते हो। तो देखो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे वैप किया तो हमारे सामने जो यहाँ पे इंटरफेस आ रहा था, जो स्पैम का इंटरफेस आ रहा था वो हट गया है। सिंपली यहाँ पे क्या आया है, गेट स्टार्ट, यानी कि अभी जो आ रहा था जिसकी वजह से हमारा गेट स्टार्ट ऑप्शन नहीं आ रहा था वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। सिंपली आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मेल पे कोड बोल रहा है। दोस्तों ये अकाउंट एक हमारे सब्सक्राइबर भाई का है जो कि उनका अकाउंट लॉक हो चुका था और वो बोल रहे थे कि हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो हमारा जो है कन्फर्म योर आइडेंटिटी आ जाता है और इस तरीके से स्पैम आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अभी ट्राई किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या इंटरफेस आया है। तो सिंपली यहाँ पे चलिए उनसे कोड मांग लेते हैं, कोड जो भी था कोड यहाँ पे उनसे लेके यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जैसे दोस्तों वो कोड दे चुके हैं तो सिंपली हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें सबमिट कर देना है। तो चलिए फटाफट कर देते हैं सबमिट। दोस्तों सबमिट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे सेव नहीं करना, नेवर कर देना है क्योंकि ये मेरा अकाउंट नहीं है। तो सिंपली यहाँ से कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमारा जो अकाउंट था यहाँ पे अनलॉक हो चुका है वैसे, तो चलिए सिंपली यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अगेन यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है तो एक न्यू पासवर्ड यहाँ पे बना लेते हैं फटाफट। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे सेफ चेंज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, आपको यहाँ पे रिव्यू करना है, ठीक है। रिव्यू रिसेंट एक्टिविटी करना है, बैक टू फेसबुक पे नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो अकाउंट अगर अगेन सिक्योर होने वाला रहेगा तो वो मतलब कि ऐसा कुछ इशूज नहीं आएगा, वो सब क्लियर कर देता है। अगर आप बैक टू फेसबुक पे चले जाएंगे तो आपका जो स्पैम रहता है वो तो रह ही जाता है ना, तो आपको बैक टू फेसबुक नहीं करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट कर लेना है जब तक यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, यानी कि आप जहाँ पे कमेंट किए रहेंगे, जिस पोस्ट को शेयर किए रहेंगे या कहीं जिसको मैसेज किए रहेंगे, जो भी आप किए रहेंगे आपका यहाँ पे जो शो कर जाएगा। अगर आप नेम चेंज किए हैं तो नेम का भी यहाँ पे शो करेगा, अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज किए हैं तो डेट ऑफ बर्थ का भी यहाँ पे शो करेगा। तो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करके देख लेना है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो इस अकाउंट का नेम भी चेंज हुआ है, यहाँ पे डबल नेम आ रहा है और जिस पेज को ये लाइक किए हुए हैं वो पेज भी शो कर रहा है, या जिस पेज को शेयर किए हैं कमेंट किए हैं वो भी यहाँ पे शेयर, मतलब कि सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों लॉक अकाउंट किस लिए होता है वो भी बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग एक ही कमेंट बार बार किसी के पोस्ट पे किए जा रहे हो और अचानक से करते जा रहे हो तो भी होता है। और दूसरी चीज़ ये होता है दोस्तों, आप अपने अकाउंट मतलब कि दूसरे डिवाइस में लॉगिन करते हो फिर दूसरे डिवाइस में लॉगिन करते हो ना, इस वजह से भी होता है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना है, जब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।